सो ही डे बॉयज एंड गर्ल्स एंड वेलकम बैक इट अगेन विद द न्यू वीडियो गाइस। फाइनली एपिसोड 2 आ चुका है एमटीवी पोकेमॉन मास्टर का, एंड उसके अंदर मिस्टी का रिटर्न भी हो चुका है एंड एश वर्सेस मिस्टी की बैटल भी खत्म हो चुकी है। तो उस बैटल के अंदर एक्जैक्टली क्या हुआ वो सब मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। सो गाइस, मिस्टी अपना पोकेमॉन चूज करते गाइस पॉलीटोड को, जिसके अगेंस्ट एश यूज करता है गाइस अपने कॉर्पेश को। ये बैटल हो रही होती है गाइस क्लॉन्चर के लिए। तो बेसिकली एक जंगली क्लॉन्चर आता है जिसके लिए एश एंड मिस्टी दोनों बैटल कर रहे हैं। जो जीतेगा उसे वो क्लॉन्चर मिलने वाला है। तो इन दोनों के बीच में बैटल स्टार्ट हो जाती है, यानी कि कॉर्पेश वर्सेस पॉलीटोड के बीच में। तो इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा मतलब मुठभेड़ होती है, एक दूसरे को हमले करते हैं एंड डॉच करते हैं। लेकिन उसके बाद ऐश अपने कॉर्पेश को करने के लिए कहता है एक्वा जेट, जिसके अगेंस्ट में मिस्टी का पॉलीटोड करता है हाइड्रोपम्प एंड इन दोनों की अटैक से टकराते हैं। एंड गाइस ऐश का कॉर्पेश हवा में उड़ जाता है, जहां से ऊपर से वो गिर रहा होता है। एंड ऐश अपने कॉर्पेश को करने के लिए कहता है क्रैब हैमर एंड वो जोर से क्रैब हैमर पटकता है पॉलीटोड के ऊपर एंड वहां पे धुआं छा जाता है। लेकिन जैसे धुआं हटता है हमें पता चलता है कि पॉलीटोड को तो खरोज भी नहीं आई, बिकॉज पॉलीटोड ने अपने हाथों की मदद से उस क्रैब हैमर को डॉच कर दिया। एंड उसके बाद पॉलीटोड जो गाइस ऐश के कॉर्पेश के मुंह पे एक बड़ा सा पंच मारता है, जिसके बाद ऐश का पॉलीटोड यानी कि ऐश का कॉर्पेश हार जाता है। एंड एक ही बुक्के में यार ऐश का मतलब कॉर्पेश नॉकआउट हो गया एंड ये बैटल जीत जाती है मिस्टी, यानी कि मिस्टी का पॉलीटोड ये बैटल जीत गया। एंड गाइस मिस्टी इसके बाद कैच कर लेती है उस क्लॉचर को। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। एकदम शॉर्ट में मैंने आपके ये बैटल एक्सप्लेन कर दी, पूरा एपिसोड में बहुत ही जल्दी एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। एंड कहते अगर आपको ये एपिसोड फिलहाल देखना है तो यूट्यूब के ऊपर जाके सर्च कर देना पोकेमॉन एमटीवी पोकेमॉन मास्टर एपिसोड 2 आपको देखने को मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।